जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा प्रदेश में समर्थन जागरूकता के लिए कार्यक्रम और कार्यकर्ता संगठित हो, इसलिए मुंबई पदाधिकारी सुचित्रा सिंह जी महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी का पुष्प गुच्छ अर्पित कर स्वागत। राम कुमार पाल आत्मनिर्भर भारत अभियान राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष के द्वारा किया गया। अरविंद आर्य और संगठन के प्रतिनिधियों से स्नेही मुलाकात, सकारात्मक चर्चा हुई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सफल मिशन को राम कुमार पाल 64 फाउंडेशन पूर्ण समर्थन करता है। राष्ट्रीय टीम की ओर से हमें ये जवाबदेही मिली कि मैं महाराष्ट्र में जाकर संगठन को मजबूत करूं, और इसके निमित्त हमारे लोग यहां पर जो पहुंचे हैं अरविंद जी और विशाल भगत जी के माध्यम से हमें यहां मजबूत एक स्तंभ मिला है, जिनको कि आज हम लोग बैठक करके ये तय किए कि रामपाल जी भाई साहब हमारे संयोजक बनेंगे। ऐसा मैंने ये नाम ऊपर भेज रही हूँ मैं केंद्र में, और जल्द ही पूरी उम्मीद है कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक मजबूत स्तंभ एज ए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमें मिलेंगे यहाँ से, और मैं विश्वास करती हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में हमारा संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और देश सेवा में अपना योगदान देगा। धन्यवाद। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, जो त्यौहार आ रहे हैं और आकर जा चुके हैं, उन सब की ढेर शुभकामनाएं। पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के हजारों कार्यक्रम लाखों से करोड़ों लोगों तक, इस बात का जन जागरण, बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या का बदलता स्वरूप, यह चिंता का विषय है। इसलिए अनेक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है देश के अंदर दंगे ना हो, जातीय द्वेष ना बने, विकास अच्छी तरह से हो, जो गरीब और पिछड़ा है उसको भी दो समय का भोजन और रोजगार मिले, शिक्षा भी मिले, इसको गारंटेड करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर कानून होना, यह देश की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इतना ही नहीं है, विश्व के अंदर प्राकृतिक जो संसाधन है वो भी जनसंख्या के अनुपात में घटते नजर आ रहे हैं, इसलिए विश्व भी आज बढ़ती जनसंख्या से चिंतित है। इसके समाधान के लिए आवश्यक है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनसंख्या समाधान हेतु कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर दें, ताकि वह लाखों लाख हस्ताक्षर भारत सरकार को देकर जनता की जन भावनाएं पहुंचाई जा सकें और समय के साथ इस समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सके। भारत माता की जय।